कोयला तस्करी केस में आज ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी रुजिरा से होगी पूछताछ। रुजिरा ने सोमवार को नहीं हो पाई थी पूछताछ। रुजिरा से विदेश के खाते में ट्रांजैक्शन को लेकर हो सकता है सवाल जवाब। सोमवार को सीबीआई ने दोबारा दिया था नोटिस। रुजिरा से 11 से 3 बजे के बीच होंगे सवाल। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा केंद्र का कोई दखल नहीं। रुजिरा के पासपोर्ट को लेकर भी उठने लगे सवाल। रुजिरा के पास है थाई पासपोर्ट। रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से हुई पूछताछ। सीबीआई ने 3 घंटे तक दागे सवाल। मिशन बंगाल पर गरजे पीएम मोदी। ममता पर निशाना साधते हुए बोले बंगाल को बनाएंगे तोला मुक्त और रोजगार युक्त। बंगाल के हुगली में ममता के नारे के जरिए ही पीएम ने घेरा। कहा मां माटी मानुष कहने वालों ने नहीं किया विकास। हुगली की रैली में उमड़ी भारी भीड़। पीएम बोले बंगाल में तुष्टीकरण की हुई राजनीति, बीजेपी बनाएगी सोनार बांग्ला। विकास के मुद्दे पर टीएमसी का पीएम पर पलटवार। पार्थ चैटर्जी ने कहा 2010 में ही ममता ने किया था दमदम दक्षिणेश्वर मेट्रो का शिलान्यास। पीएम की रैली के एक दिन बाद हुगली के ही डनलप ग्राउंड में ममता की रैली। टीएमसी को ममता की रैली में भारी भीड़ की उम्मीद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा में किसान पंचायत में करेंगी शिरकत। कांग्रेस कर रही है कई जिलों में किसानों की पंचायतें। प्रियंका की यह चौथी किसान महापंचायत। बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी किसानों से कर चुकी है बात। गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव नतीजे आज। सभी निगमों में बीजेपी का था कब्जा। इस बार आप और ओवैसी की पार्टी ने भी लड़ा है चुनाव। दोनों के नतीजों पर नजर। देवता में आज ओवैसी करेंगे रैली। तहसील पंचायत चुनाव के लिए मांगेंगे वोट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दिखा। मुंबई में ऑटो और टैक्सी में किराए में इजाफा। ऑटो का न्यूनतम किराया 18 रुपए से बढ़कर 21 रुपए हुआ। काली पीली टैक्सी न्यूनतम किराया 3 रुपए से बढ़कर 25 रुपए। राजस्थान के श्रीगंगानगर समेत कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए पार। एमपी के नगरबंद, सतना और रीवा में भी पेट्रोल ने मारी सेंचुरी। कुछ राज्य ने पेट्रोल डीजल पर घटाया टैक्स। मेघालय, असम, बंगाल और राजस्थान में टैक्स में कटौती। महंगे पेट्रोल की वजह से यूपी के नेपाल से सटे इलाकों में पेट्रोल की तस्करी। लोग नेपाल जाकर करवा रहे हैं टंकी फुल। रामेश्वरम में डीएमके का प्रदर्शन। महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना। बिहार के सासाराम में महंगे पेट्रोल डीजल का विरोध। आरजेडी की युवा इकाई के कार्यकर्ता सड़क पर। औरंगाबाद में आरजेडी कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस महंगा किए जाने का विरोध। जमशेदपुर में गुरुद्वारे के पास लगा पेट्रोल मेला। ऑल इंडिया सिख फेडरेशन का आयोजन। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन। लोगों ने गुस्से का इजहार किया। कोरोना का खतरा झेलते महाराष्ट्र में पूर्व सांसद धनंजय महादे के बेटे की शाही शादी। कई दिग्गज नेताओं ने तोड़े कोरोना के नियम। देवेंद्र फडणवीस, संजय राउत और शरद पवार ने भी की शिरकत। 200 की जगह पार्टी में मौजूद थे 700 मेहमान। दिग्गज नेताओं ने नहीं लगा रखे थे मास्क। पंडाल में भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आज तक की खबर के बाद चेता पुणे प्रशासन। पूर्व सांसद धनंजय महाजिक समेत 3 पर केस दर्ज। आपदा कानून और आईपीसी की धाराओं में दर्ज हुआ केस। कोविड गाइडलाइंस तोड़ने का भी आरोप। कोरोना के केस ताबड़तोड़ बढ़ने के बाद भी महाराष्ट्र की जनता लापरवाह। लोग नहीं पहन रहे मास्क। अमरावती जिले में 1 मार्च तक लॉकडाउन। नागपुर में स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर 25 फरवरी से 7 मार्च तक के लिए बंद। कोरोना के खतरे के बीच भी बाजारों में भारी भीड़। नागपुर के सीताबर्डी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। कोरोना की दूसरी लहर पर अभी प्रशासन की राय नहीं। बीएमसी कमिश्नर बोले कुछ दिन नजर रखने के बाद ही चलेगा पता। अभी मैं इसको एक सर्ज बोलूंगा, स्पाइक बोलूंगा, परंतु इसका मैं उत्तर दे सकता हूं 10 से 12 दिन बाद। जब एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगी तब मालूम चलेगा कि ये वेव है या टेम्परेरी स्पाइक। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद बढ़ा संकट। मास्क नहीं पहनने वालों के कट रहे चालान। कोरोना की चपेट में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल। कोरोना पॉजिटिव होने की दी जानकारी। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद एक बार फिर जोधपुर में धारा 144 लागू। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल। कोरोना टीकाकरण को लेकर गृह मंत्री ने भी की समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूसरे विभागों के अधिकारी रहे मौजूद।
कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सीएम शिवराज ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश, कहा इंदौर और भोपाल में मास्क लगवाने का पालन करवाया जाए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस से कर्नाटक सतर्क, कर्नाटक में एंट्री से पहले टेस्ट जरूरी। वाशिम में कोरोना के मद्देनजर सतर्कता बढ़ी, बस स्टैंड को किया गया सैनिटाइज। असम के डिब्रूगढ़ में भी कोरोना का फैलाव, मशहूर डॉन बॉस्को स्कूल कंटेनमेंट जोन में शामिल। उड़ीसा में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन देने का काम तेज, पूरे देश में उड़ीसा का तीसरा नंबर। तमिलनाडु में भी एक दिन में 449 नए केस, एक्टिव केस की तादाद 4000 के पार। आज आईआईटी खड़गपुर का 66वां कॉन्वोकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दार्जिलिंग में पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की ट्रेनिंग वर्कशॉप, मंत्री प्रहलाद पटेल और सांसद राजू बिस्ता ने किया उद्घाटन। सांसद आजम खान ने जमा किया 125 करोड़ से ज्यादा का बकाया सेस, भाजपा नेता ने की थी सेस जमा नहीं करने की शिकायत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बस्ती महोत्सव में की शिरकत, भोजपुरी नाइट में जमाया रंग। जगह बनाने में जुटी बीजेपी, सूचना और प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कोलकाता में की बंगाली अभिनेताओं से मुलाकात। योगी सरकार ने यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट किया पेश, 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट। यूपी में किसानों के विकास के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए बजट में 700 करोड़ रुपए प्रावधान। विकास के लिए 140 करोड़ का बजट, कानपुर में मेट्रो समेत मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव। बिहार में नीतीश सरकार ने करीब 2,18,000 करोड़ रुपए का बजट किया पेश, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साथ ही निश्चय पार्ट 2 का किया ऐलान। पटना में ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव, तेल की महंगाई पर जताया विरोध। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विदेश जाने की मिली इजाजत। रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, सैन्य क्षेत्र में निजी भागीदारी भी ला रहे। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ हवलदार हेमराज मीणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा शहीद के पैतृक गांव में विकसित किया जाएगा शहीद पार्क। शहीद की सादत हमेशा हमें प्रेरणा देती है। फिलहाल में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की भाभी की दबंगई, संघ नेता के घर घुसकर की तोड़फोड़, बीजेपी के एक धड़े ने सरोज पांडे के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार में एलजेपी एमएलसी नूतन सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुई शामिल। पुडुचेरी विधानसभा फ्लोर टेस्ट में नारायण स्वामी फेल, उपराज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। पुडुचेरी में कांग्रेस के इंचार्ज ने बीजेपी पर किया वार, कहा बीजेपी ने करोड़ों खर्च करके सरकार तो गिरा दी पर जनता देगी जवाब। गुजरात में बीजेपी ने राज्यसभा की दोनों सीटें जीती, दिनेश भाई अनवाड़िया और राम भाई मुकारिया को मिली जीत। मध्यप्रदेश विधानसभा के स्पीकर चुने गए गिरीश गौतम, रीवा के देवतालाब से है बीजेपी विधायक। ग्वालियर में चलती कार में रेप की वारदात, काम दिलाने के बहाने ले जाकर किया वारदात को अंजाम। भीलवाड़ा में थाने में पार्टी पड़ी महंगी, थानेदार को किया गया सस्पेंड। कानपुर में म्यान मालिक की हत्या पर नहर में फेंकी लाश, अगवा करके की गई थी हत्या। शाहजहांपुर में लापता छात्रा घायल हालत में हाईवे किनारे मिली, कॉलेज से हुई थी लापता। आजमगढ़ में मोटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। दुमका देवघर रोड पर बड़ा हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 20 मुसाफिर घायल। लखनऊ में दहेज पीड़ित महिला को नहीं मिला इंसाफ, पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस। कोलकाता में पामला गोस्वामी ड्रग केस पर अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने संभाला, कार से मिला था ड्रग। प्रतापगढ़ में दलित लड़की से रेप, आरोपी गिरफ्तार। मुद्रा में युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क पर मिले 2 दर्जन गोलियों के खोके। अलीगढ़ में कृषि प्रदर्शनी के दौरान सिंगर नाइट में बद इंतजामी, बेकाबू दर्शकों पर लाठीचार्ज। कानपुर में लड़की ने सरेआम किए आवारा लड़की की पिटाई, कई दिनों से कर रहा था परेशान। पटना में चोरों के गिरोह का भंडाफोड़, ट्रेनों में करते थे लूटपाट।
एमपी की विदिशा में नसबंदी करा चुकी महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप। चमोली में ग्लेशियर टूटने से बनी झील से निपटने की तैयारी, आईटीबीपी झील का मुंह चौड़ा करने की कोशिश में जुटी। यूपी के कौशाम्बी में नशेड़ी पति की हैवानियत की शिकार हुई पत्नी, मुंह में कपड़ा ठूंसकर जबरन बनाया शारीरिक संबंध। नोएडा में चार शातिर बदमाश गिरफ्तार, महंगे शौक के लिए एटीएम से पैसे निकाल रहे बुजुर्गों को बनाते थे निशाना। फरीदाबाद में डबल हत्याकांड के मामले में चार गिरफ्तार, जिम ट्रेनर और स्कूल टीचर के हत्याकारों। बागपत में दो दुकानदारों में खूनी संघर्ष, पुलिस से मारपीट में आठ लोगों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में एसटीएफ ने पकड़ा नशे का सौदागर, बिहार बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में भेजने से पहले ही 1 करोड़ का कफ सिरप बरामद। सस्ते कच्चे तेल के आयात के लिए रणनीति में बदलाव कर सकता है भारत, प्रतिबंधों के बावजूद ईरान और वेनेजुएला से हो सकता है आयात। सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी, रिकॉर्ड हाई से 11,000 और इस साल अब तक 4,000 रुपए सस्ता हो चुका है गोल्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट से ग्रोथ बढ़ने का किया फिर दावा, कहा देश की ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर की अहम भागीदारी, कोरोना वैक्सीन को बताया सफल मिसाल। निजीकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अब बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, ओरिएंटल इंश्योरेंस या यूनाइटेड इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर हो सकता है विचार। अस्पताल का पूरा बिल चुकाने के आईआरडीए के आदेश से बीमा कंपनियों पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ, नई पॉलिसी के रिन्यूअल को किया जा सकता है महंगा। चीन में राष्ट्रपति ने की मिशन चंद्र की टीम से मुलाकात, चंद्रमा से लाए नमूनों की प्रदर्शनी की देखी। दिल्ली के एक शहर में भीषण बाढ़, इमरजेंसी का किया गया ऐलान। टेक्सास में बर्फीली बर्फबारी से हालात बिगड़े, फूड स्टोर के बाहर लगी कतारें, पीने के पानी का संकट। गरीब मुल्कों के लिए साल के आखिर तक रहेगा कोरोना वैक्सीन का संकट, डब्ल्यूएचओ की गुजारिश, अमीर मुल्क करेदार। स्पेन में ट्रैक्टर से संतरे तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वेलेंशिया के बागानों से हर साल होता है 400 टन संतरों का उत्पादन। अफ्रीकी देश कांगो में इटली के राजदूत लुका एत्नासियो की हत्या, साथ जा रहे पुलिसकर्मी की भी गई जान। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च मानवाधिकार संस्था की बैठक में उठा म्यांमार में सैन्य सत्ता पलट का मुद्दा, यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने हिरासत में लिए गए राजनेताओं को छोड़ने के दी चेतावनी। चीन ने कहा बहुपक्षीय माहौल बनाने के लिए अमेरिका और यूरोप उसके साथ मिलकर करे काम, बाइडेन ने 2 दिन पहले की थी रूस और चीन से मिल रही चुनौतियों का मिलकर सामना करने की अपील। तुर्की में एक मुस्लिम स्कॉलर ने के जनाजे में पहुंचकर गिरे राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, समर्थकों की भारी भीड़, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर आलोचना। स्पेनिश पुलिस ने कबाड़ के कंटेनर से पकड़े 41 अवैध प्रवासी, नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप में घुसने की थी कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।